बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कल शाम से बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत ही ठंडा हो गया और ये फसलों के लिए बड़ी ज़रूरी थी बारिश, क्योंकि पहले जब बारिश हुई थी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। आज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और खुल के बारिश हुई है और ये फसलों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा तोहफ़ा हमारे लिए। अभी जो फसलें हमारी हैं गंदम की, इनके लिए ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रहेगी ये बारिश। तो आज क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है तो हम आज बनाएंगे कोई मीठी चीज़, तो इंशाल्लाह चलते हैं घर और जाकर बनाते हैं सूजी का मज़ेदार सा हलवा। कढ़ाई के अंदर हमने सूजी डाली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, तो अभी इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। सूजी को भूनने के बाद अब इसको हम निकाल लेंगे। सूजी निकाल ली हमने, अभी थोड़ा सा ऑयल, ऑयल में 3 सब्ज इलायची है उनका पाउडर डालेंगे। अभी पानी डालते हैं, सूजी जो है वो 1 पाई है, पानी जो हम डालेंगे वो 1 किलो है। बारिश काफ़ी हो रही है तो आज मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो इसलिए आज हम सूजी बना रहे हैं। इसी पानी में अब हम चीनी शामिल करेंगे। अभी पानी में उबाल आना शुरू हो गया, अभी इसमें हम सूजी जो है वो शामिल कर देते हैं जो हमने भुनी हुई निकाली थी। हमारे यहाँ तो 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आपकी तरफ मौसम कैसा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी इसमें हम गरी शामिल कर लेते हैं, साथ ही बादाम कटे हुए और सौंगी, और अभी इसको एक दफ़ा हम हिला देते हैं और ये बड़ा आसान बन जाता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल हमारा सूजी का हलवा जो है वो तैयार हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता। बारिश के मौसम में हलवा खाने का अपना ही मज़ा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।